गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि कद्दू और बेसन का बरी कैसे बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कद्दू को कल ही ग्राइंड कर लिया था और बेसन को और कद्दू को दोनों को मिक्स करके एक दिन पहले ही इसको फूलने के लिए छोड़ दे नाइट को। इसके बाद मैंने अभी सुबह मैंने इसको मिक्स कर लिया, दोनों से फिर से मिक्स कर लिया। इसके बाद इसमें जो आप लोग सब्जी में जो मसाला डालते हैं उसको इसमें ऐड कर सकते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। तो मैंने इसको सारा मसाला और नमक वगैरह स्वाद अनुसार डाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको धूप में सुखाने के लिए इसको ले जा रही हूँ। अब मैं इसको धूप में सुखाऊंगी अच्छी तरह से। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप लोग बेसन को इस तरह से इसको बना सकते हैं। देखिए धूप में सुखाने के लिए इतना छोटा छोटा, आप लोग बड़ा साइज भी कर सकते हैं जिसको जितना पसंद है। तो आप लोग सूखने के बाद इसको आप लोग सब्जी बनाकर खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने घर पे ही ट्राई किया है, आप लोग भी घर पे ट्राई करें। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।